आरसीएफ सुफला। कंधे पे हल आज हमारे, खेती है हम करना। हे कंधे पे हल आज हमारे, खेती है हम करना। उपजाते हैं हम सोना, उपजाते हैं हम सोना, सोना 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 सोना। पंडित जी, ये रही मेरी जमीन। ये तुम्हारी जमीन है? पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसी जमीन पर खूब खेती करते थे। तो अभी क्या दिक्कत है? अब आप खुद ही देख लो। मुझे तो लगता है कि किसी की नजर लग गई होगी। आप एक काम कीजिएगा, खेत में एक अच्छी सी पूजा करवा दो। इससे क्या होगा, नजर वजर उतर जाएगी और फिर से अच्छी फसल होनी शुरू हो जाएगी, है ना? क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? जान देने की नौबत आ गई है। हमारी पुरखों की जमीन है ये। एक बात बताऊं, जब मैं छोटा था ना, तब मेरे पिताजी इसी जमीन में बढ़िया फसल उगाते थे। अभी जैसे फसल पिताजी ने की थी, वैसे मैं खेती कर रहा हूँ, तो फिर बात कहाँ बिगड़ी? अरे यही तो तुम्हारी सोच बिगड़ी हुई है। कैसे? देखो, इसके लिए मेरे पास एक जालिम उपाय है। ऐसा क्या? हाँ। तो फिर दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे दे दूं? देखो, अगर तुम अपनी जमीन पर खाद इस्तेमाल करना चाहते हो, हाँ? तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ सुफला 15-15-15। कौन सी सुफला 15-15-15? हाँ, ये खाद इस्तेमाल करो। हाँ। और 3 हफ्तों बाद उज्ज्वला यूरिया, यही खाद इस्तेमाल करना। 3 हफ्तों के बाद उज्ज्वला यूरिया? हाँ, 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 हाँ। लेकिन याद रहे, उसके पहले तुम्हें मिट्टी का परीक्षण करवाना पड़ेगा। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा मालूम है? कि जमीन के अंदर कितने अन्य द्रव्य है उसका पता चलेगा, और कितनी खाद इस्तेमाल करनी है वो भी पता चलेगा। गुरुजी, अभी आप जैसे कह रहे हो ना, वैसे ही होगा, देखना। हाँ, वैसे ही कर। लेकिन एक बात बताइए, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? अरे कहाँ से मिली मतलब, हाँ, आरसीएफ के किसान परीक्षण केंद्र से। हाँ? हाँ। और ये है कहाँ? ये लो, कहाँ मतलब, देखो, इसे कहते हैं बगल में छोरा और गाँव में ढिंडोरा। अरे अपने ही गाँव में है। सच? हाँ। आओ मैं तुम्हें दिखा। हाँ, चलिए चलिए। देखो कैसे हल से जोती है ये खेती, पक गए फसल लहराती है हरियाली। देखो कैसे हल से जोती है ये खेती, पक गए फसल लहराती है हरियाली। मन भावन है मन को मोहे सुंदर ये नजारा, मन भावन है मन को मोहे सुंदर ये नजारा। उपजाते हैं हम सोना, उपजाते हैं हम सोना, सोना 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 सोना। सुनो, जरा पानी लाना। ये लो। अरे बेटी, तू कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। क्या कितने दिनों बाद आई हो गांव में? हाँ। हाँ, अपने बाप को याद करती भी हो या नहीं? अब हाँ? क्या करूँ, कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ ये बात भी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों पिताजी, इतने दुबले क्यों हुए? कौन दुबला पतला? बेटी ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ? अब क्या बताऊं बेटी, मैं इतने सालों से खेती कर रहा हूँ, अपने खेतों में महंगी महंगी खाद भी डालता हूँ,
दिन रात मैं खेतों में इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। पता नहीं अपने खेत को किसकी नजर लगी है। आजकल तो फसल ही अच्छी नहीं होती और ऊपर से इतना कर्जा जो खत्म ही नहीं होता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पिताजी, टेक्नोलॉजी ने कितनी प्रगति की है, हम इसका कुछ तो उपयोग कर सकते हैं। मतलब? चलिए खेत में चलते हैं। लेकिन बेटी तुम अभी अभी तो आई हो। चलिए चलिए उठिए। अरे तुम बात नहीं मानोगी, चलो चलता हूँ। आ जाओ, ये यहाँ यहाँ आओ, यहाँ इस तरफ आओ। ये देखो, ये रही अपनी जमीन और इसकी हालत देखो क्या हो गई है। मैंने इतनी महंगी महंगी खाद डाली है लेकिन फसल ही नहीं आती। कैसे होगा, कैसे फसल उगेगी? आप ये महंगे खाद डालते हो ना, इसीलिए हुआ है। लेकिन अपने पूर्वजों के जमाने से हम खेती करते आ रहे हैं। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जब छोटा था इस खेत में फसलें ही फसलें होती थी। आजकल क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, जब आप छोटे थे तब ये जमीन उपजाऊ थी। मतलब अच्छी फसल के लिए इसमें पोषक अन्न घटक थे। अच्छा अच्छा ऐसा है। पर अब इतने साल खेती करते करते सब कुछ खत्म हुआ है। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर इसका कोई उपाय नहीं है क्या? है ना। उपाय है। अरे वाह वाह, क्या उपाय है बताओ। इस जमीन के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, RCF का सुफला और 20 दिनों बाद उज्ज्वला यूरिया का इस्तेमाल। ये क्या होता है? RCF का सुफला 15-15-15। RCF सुफला। RCF के सुफला 15-15-15 ने रासायनिक खाद के प्रयोग में बहुत बड़ी क्रांति लाई है। सुफला एक खाद का मिश्रण है, एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 15-15-15% में डाला जाता है। RCF का सुफला 15-15-15 इस खाद को भारत में ही बनाया जाता है और इसे ऑटो टेक्नोलॉजी से पैक किया जाता है और इसे ऑटोमेटिक तरीके से लोड भी किया जाता है और अलग अलग प्रांतों में भेजा जाता है। अब मैं ऐसा ही करूंगा, खेती की शुरुआत में सुफला डालूंगा और फिर 20 दिन बाद उज्ज्वला यूरिया डालूंगा। मतलब कोई झंझट नहीं। पिताजी कितनी जल्दी है आपको, उसके पहले इस मिट्टी का परीक्षण करवाना होगा। मतलब इस मिट्टी का परीक्षण भी करवाना होता है? ये परीक्षण कहाँ होता है? RCF के परीक्षण केंद्र में। और ये कहाँ है? आप भी ना पिताजी, बगल में छुरा और गांव में ढिंडोरा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई बेटी, मैं अब जल्दी से जल्दी मिट्टी का परीक्षण करवाऊंगा। उपजाऊ हर दाना, दाना देखो लगे है, खुश है हर नार, चेहरा प्यारा सा लगे है। उपजाऊ हर दाना, दाना देखो लगे है, खुश है हर नार, चेहरा प्यारा सा लगे है। ज्वार बाजरा जैसे लगता है मोती का दाना, ज्वार बाजरा जैसे लगता है मोती का दाना। उपजाते हैं हम सोना, उपजाते हैं हम सोना, सोना 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 सोना। अरे काका, ऐसे क्या देख रहे हो? अरे ये सामने वाला खेत देखा, क्या बढ़िया फसल आई है यहाँ। ये मेरा ही खेत है काका। अच्छी बात है, तुम सुखी हो बेटा। और हमारा खेत देखो। क्यों, क्या हुआ? मेरा पूरा खेत बर्बाद हो चुका है, पूरी फसल खराब हो गई है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? जरूर पिछले जन्म का कोई पाप होगा, इसलिए भगवान ने ऐसी बंजर जमीन मुझे दे दी। बेटा तुम्हें क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी खत्म कर दो। सुनो काका, आपने RCF का सुफला 15-15-15 और 3 हफ्तों बाद नीम कोटेड उज्ज्वला यूरिया डालकर देखा क्या?
नहीं लेकिन बेटा मैंने महंगे खाद का इस्तेमाल किया है फिर भी। काका आप आरसीएफ का सुफला 15-15-15 इस्तेमाल करिए। अच्छा। और हाँ, सबसे पहले अपनी जमीन की मिट्टी का परीक्षण करवाइए। अब ये क्या नया बोल रहे हो, मिट्टी का परीक्षण मतलब क्या? अरे काका, जैसे अलग अलग मिट्टी को अलग अलग खाद लगता है। अच्छा। वैसे ही अलग फसल और मिट्टी को अलग खाद की जरूरत होती है। तो ये बात है। सुफला और है उज्ज्वला, खाद ऐसा और कहां, वर्षों वर्षों होती रहती है दया। सुफला और है उज्ज्वला, खाद ऐसा और कहां, वर्षों वर्षों होती रहती है दया। क्या सौम्या, चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? कुछ नहीं, ये बताओ खेती का परीक्षण करके तुम कब आए? मैं तो आज सुबह ही आया। अच्छा, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आती। कौन सी बात? अरे लोग है कि शहरों में जाकर पढ़ते हैं और विदेशों में जाने की सपने देखते हैं, तुम खेती की पढ़ाई करके वापस अपने गाँव आ गए। बस इतने सी बात, मुझे मेरे ही गांव में आधुनिक तकनीक से खेती जो करनी है। मतलब तुम अपनी खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करोगे और फसल से ढेर सारा पैसा कमाओगे, लेकिन मेरा कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? भाई बहुत साल हो गए फसल अच्छी नहीं हो रही, पिताजी भी बहुत टेंशन में हैं, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता दोस्त। अरे 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 अरे, पिताजी का टेंशन अगर कम करना हो तो फसल अच्छी आनी ही चाहिए, और अगर फसल अच्छी आनी चाहिए तो क्या करना होगा? मिट्टी परीक्षण। मिट्टी का परीक्षण? अब ये क्या होता है? तुम्हें मिट्टी परीक्षण नहीं पता? नहीं पता मुझे। अरे तुम्हारी जमीन की मिट्टी कितनी उपजाऊ है ये देखना जरूरी है। और क्या है ना, इससे ये पता चलता है कि हमें जमीन में कितना खाद इस्तेमाल करना है। क्या बात है। धन्यवाद, तुमने तो मेरा टेंशन दूर ही कर दिया। हाँ, लेकिन एक बार मिट्टी का परीक्षण कर लेने के बाद जमीन को सुफला 15-15-15 और 3 हफ्तों के बाद उज्ज्वला यूरिया जमीन के हिसाब से इस्तेमाल करना होगा। हाँ, ये बात ध्यान रखूंगा। लेकिन ये सारी बातें तुम्हें कहाँ से पता चली? तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं ना। मैं कहाँ गया था? कहाँ? खेती परीक्षण केंद्र में। अच्छा, ये कहाँ है? वो भी नहीं पता? नहीं ना यार। लो कर लो बात। खेती ही जीवन है अपनी, ये हमने है जाना। खेती ही जीवन है अपनी, ये हमने है जाना। उपजाते हैं हम सोना, उपजाते हैं हम सोना, सोना 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 सोना। आज मैं आपको मिट्टी परीक्षण के बारे में बताने वाला हूँ। मिट्टी परीक्षण मतलब क्या, मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस का होना कितना जरूरी है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगर आपको किसी भी जमीन की मिट्टी का परीक्षण करना है तो उसके लिए मिट्टी के सही नमूने लेने बहुत जरूरी होते हैं। नमूने लेते वक्त आपको अपने खेती के जमीन के अनुसार ही वहां के मिट्टी का नमूना लेना होता है। जैसे कि अगर आपका खेत 1 एकड़ में है तो 5 से 6 जगहों से नमूना लिया जाता है। नमूना लेते वक्त याद रहे कम से कम 6 जगहों से नमूना लेना जरूरी है। नमूना लेते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ 1 एकड़ जमीन के लिए 5 से 6 नमूने लेने होंगे। और इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो उस चीज के लिए आपको आपके जमीन के 2 समान हिस्से करके लेने होंगे और उसके बाद जिगजैग तरीके से 5 से 6 पॉइंट सिलेक्ट करके वहां से नमूने हमें इकट्ठे करने होंगे। नमूना लेते वक्त याद रहे आपको हरी सब्जी की या सालाना फसल करनी है जिसमें केले हो या गन्ने की खेती हो या फिर फल उगाने हो तो इसके लिए हमें अलग अलग तरीके से नमूने लेने होंगे। अगर आपको हरी सब्जी के लिए नमूने लेने हो तो जिगजैग वाले जो 6 पॉइंट्स हमने चुने हुए हैं उन 6 पॉइंट से हमें नमूना लेना होगा। याद रहे नमूना लेते वक्त अगर कोई कचरा लकड़ी या घास फूस हो तो उन्हें हमें निकाल देना है और उसके बाद ही आमतौर पर हमें 1 फुट यानी करीब 30 सेंटीमीटर तक
वी आकार का गड्ढा करना होगा। उस गड्ढे से पूरी मिट्टी हमें निकाल देनी होगी और उसके बाद हमें वी आकार के उस गड्ढे की एक तरफ की मिट्टी इकट्ठा करनी होगी। इसी तरह से हमें एक वक्त में 5 से 6 जगहों से मिट्टी लेनी है और उस जमा की गई मिट्टी को परीक्षण केंद्र में भेजने के लिए करीब करीब 200 से 250 ग्राम का नमूना काफी हो जाता है। तो मतलब 250 ग्राम का अगर नमूना हम 6 अलग जगहों से लेते हैं तो उसे एक साथ अच्छी तरह से मिला के उसके एक जैसे 4 हिस्से करने होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। किसी भी चीज जैसे बोरी पर उस मिट्टी को रखकर गोल आकार में उसे फैला के उसके 4 हिस्से कर लो एक जैसे। उनके बाद उन 4 हिस्सों में से 2 हिस्से आपको फेंक देना है और इस तरह से आपका नमूना करीब करीब 200 ग्राम तक हो जाए तो उसे जमा कर लेना है। इस तरह से 200 ग्राम का नमूना लेने के बाद उसे हमें एक कपड़े के थैली में लेना चाहिए या अगर कोई साफ प्लास्टिक की थैली होगी आपके पास तो उसमें भी लेंगे तो चलेगा। मिट्टी अगर गीली होगी तो उसे लेते वक्त हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, मिट्टी सूखी ही होनी चाहिए। मिट्टी अगर ज्यादा ही गीली हो तो उसे एक दिन छांव में सुखा कर हम उस मिट्टी के नमूने को प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। प्रयोगशाला में उसे भेजते वक्त उस पर उस किसान का नाम डाले, किसान भाई को कौन सी फसल उगानी है, किसान भाई के गांव का नाम डाले और उस किसान ने उससे पहले कौन सी फसल उगाई है और कौन सा खाद इस्तेमाल किया है, इस तरह की सारी जानकारी आपको उस नमूने के साथ आपको प्रयोगशाला में भेज देनी है। इस तरह से हम अपना नमूना प्रयोगशाला में भेजते हैं। क्यों पिताजी, आई ना बात समझ में? हाँ, समझ में भी आ गया और आंखें भी खुल गई। और मैं तो कहता हूँ कि हर एक किसान को ये मिट्टी का परीक्षण करवाना ही चाहिए। मिट्टी का परीक्षण करवाने से क्या होगा कि जमीन का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा और उत्पादन बढ़ा तो दुगने पैसे मिलेंगे, है कि नहीं? और मैंने तो फैसला कर लिया है कि सुफला 15-15 और उज्ज्वला यूरिया, यूरिया इसका इस्तेमाल करूँगा और भरपूर फसल पैदा करूँगा। अपनी फसल या किसी भी फसल के बारे में अगर आप सोचते हैं तो उसे उपजाऊ मिट्टी की ज्यादा जरूरत होती है। मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी को हम मुख्य उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। तो इस मिट्टी में आमतौर पर भुयाती, दहातु और भस्वार का ज्यादा इस्तेमाल होता है। भुयाती का अगर हम विचार करें तो इसका इस्तेमाल फसल को तैयार करने में होता है, वैसे ही फसल को बड़ा करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद भस्वर है जिसे हम फॉस्फरस कहते हैं। इसका इस्तेमाल पेड़ों के अच्छी तरह से बढ़ने में और शाखों के बड़े होने में फास्फोरस की हमें पूरी तरह से मदद होती है। इसी तरह से फलों में रंग लाने, उनमें शक्कर का प्रमाण बढ़ाने में, उनकी सुंदरता बढ़ाने में या फुलाने में हम इस भस्वर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम एक जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए भुयती, धातु और भस्वर का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो समझ गए ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह से समझ गया मैं। गुरुजी, इस परीक्षण की वजह से अच्छी फसल कैसे होती है उसका उपाय मिला और इसी जानकारी की वजह से फसल पैदा करने में कौन सी कमियां है वो भी पता लग गया। अरे वाह, और इन कमियों को दूर करके खेती कैसी अच्छी होगी ये भी पता लग गया। अरे वाह, अभी मैं भी आपकी तरह सुफला 15-15-15 और उज्ज्वला यूरिया इन्हीं खतों का इस्तेमाल करूंगा और आपकी तरह बढ़िया फसल उगाऊंगा, देखना। अब ये की ना तुमने किसानों वाली बात। ओके, तो हम जो मिट्टी का परीक्षण करते हैं उसकी बदौलत हमें अपने जमीन में मौजूद तत्वों जैसे भुयती, धातु और भस्वर का पता चलता है और इसी जानकारी के आधार पर किसान भाइयों को कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, भुयती कम होने पर या भस्वर कम होने पर कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, इसके अनुसार उस किसान भाइयों को सही खाद की उपलब्धि हम कराते हैं और इस सही खाद के वजह से किसान भाई खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसलों को सही तरह से बढ़ाते हैं और अपना आर्थिक उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। क्यों काका, अच्छी तरह समझ गए ना? हाँ बेटे, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मिट्टी का परीक्षण करने से जमीन में कितनी जान बची है उसका पता चलता है और कितनी उपजाऊ जमीन है उसका भी पता चलता है। सुनो बेटा, तुमने जैसे बताया वैसे टाइम टू टाइम अपनी मिट्टी का परीक्षण करते रहूंगा और वो जैसे बताया वैसे ही फसल चुनूंगा। और सुनो, वो RCF का सुफला 15-15 जो है ना,
उसका भी इस्तेमाल करूंगा और भरपूर फसल उगाऊंगा। कटाई हुई छटाई अब ना कोई परवा धन धान को देखते ही आनंद मन हर्षित हुआ। हुई कटाई हुई छटाई अब ना कोई परवा धन धान को देखते ही आनंद मन हर्षित हुआ। आएगा बैलों संग मेहनत का मौका सुहाना, हे आएगा बैलों संग मेहनत का मौका सुहाना। उपजाते हैं हम सोना, उपजाते हैं हम सोना, सोना 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 सोना